Good morning, students. Subject English grammar, chapter 7, countable and uncountable noun. In English grammar, countable noun are individual, people, animal, place and things that we which counting. जो countable noun होते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हम use करते हैं. एक व्यक्ति हो, एक जानवर हो, एक जगह हो, एक चीज हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो सिर्फ एक हो, जैसे कि a car, three cars. तो एक कार जो हो गई और थ्री कार्स जो हो गए तो ये काउंटेबल है. इन चीजों को हम गिन सकते हैं. माय कजिन, माय टू कजिन, मेरी एक कजिन और मेरी दो कजिन, तो ये भी काउंटेबल हो जाएंगे. ए बुक ऑफ फुल ऑफ बुक्स, ऐसी चीज जैसे हम गिन सकते हैं जो काउंटेबल होती हैं, तो वो काउंटेबल नाउन कहलाती है. काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मतलब एक वचन में भी आते हैं और बहुवचन में भी आते हैं. They can be used with a, oblique, and with number and many other determined example. These a few. वो एक भी होते हैं और एक से ज्यादा भी होते हैं. कुछ होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा होते हैं. She got two sisters. जैसे कि example दे रखा है, example A. She got two sisters and a younger brother. उसकी दो बहनें हैं और एक छोटा भाई है. तो two sisters हो गए और एक younger brother हो गया. तो ये countable है, इन्हें हम गिन सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए सी वाला. दी शूज आर लुक ओल्ड नाउ. यह जूते पुराने दिखने लगे हैं. तो दी शूज, ये है जूते, तो ये काउंटेबल है क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं. अब बट दे आर सम कॉमन नाउन विच आर नेम ऑफ थिंग ऑफ पर्सन दैट कैन नॉट काउंट. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस जो हमारे लिए अनकाउंटेबल होते हैं, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते. लाइक वाटर, पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते. मिल्क, दूध, दूध को हम नहीं गिन सकते. वेदर, मौसम को हम नहीं गिन सकते. म्यूजिक, साउंड को हम नहीं सुन सकते. यूथ, जनरेशन को नहीं गिन सकते, एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए काउंटेबल नहीं होती हैं, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते. वी कैन नॉट से, जिसे हम कह भी नहीं सकते, आई वॉन्ट वन वाटर और डू यू वॉन्ट टू मिल्क. जैसे हम नहीं कह सकते कि हमें एक पानी दे दो, दो दूध दे दो. सच नाउन और नाउन इज अनकाउंटेबल. तो ऐसी चीजों को जिन्हें हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. नाउ द डिफरेंट बिटवीन कॉमन नाउन डेट वी आर सेम फ्रॉम द बोथ एंड सिंगुलर एंड प्लूरल आर अनकाउंटेबल. जैसे कि दीज आर केस ऑफ वी कैन से, जैसे कि हम कहते हैं शीप और शीप्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट. तो शीप अगर एक होगी तो तब भी शीप ही कहलाएगी और एक से ज्यादा होगी तब भी शीप्स कहलाएंगी. एयरक्राफ्ट एक होगा तब भी एयरक्राफ्ट ही कहलाता है और एक से ज्यादा प्लूरल में होगा तब भी एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे. बट इन द केस ऑफ वी कैन नॉट यूज द डेफिनेट नंबर ऑफ द बिफोर द नाउन वी कैन नॉट से. जैसे कि अब क्या होता है इसमें, जैसे पानी है, वाटर है, तो वाटर हम बोलेंगे. वाटर वन वाटर को और टू वाटर को, पानी एक या दो में नहीं होता, वाटर को वाटर ही बोला जाता है. मिल्क को मिल्क ही बोलेंगे. नाउन कैन बी अ नेम, थिंग, पीपल एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी काउंटेड आर नॉन द काउंटेबल नाउन. जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं, जो नाउन्स हमारे लिए गिनने के काबिल नहीं होते, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट यूज डेफिनेट नंबर बिफोर देम. सम ऑफ देम मे बी यूज अ प्लूरल स्पेशल सेंस, विल यूज अ लंच अबाउट सच एज हायर वैल्यू. ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, उसके बारे में आप आगे वाली क्लासेज में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी. अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में. समटाइम्स वी यूज अ वर्ड ऑफ वर्ड विच सेम काउंटेबल नाउन टू गिव एन आइडिया ऑफ क्वालिटी. दैट इज हाउ मच इज इलेक्ट्रिसिटी, सम टूथपेस्ट, ऑल दिस मनी टू सम एक्सेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन की कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की होती है, टूथपेस्ट की होती है, मनी की होती है, कॉफी की होती है. ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, पर इनकी एक क्वांटिटी जरूर होती है. यू मस्ट रिमेम्बर डेट दिस वर्ड गिव ओनली आइडिया ऑफ क्वांटिटी. पर इसका हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्वांटिटी का, जैसे कि लिटिल, हम कहेंगे थोड़ा पानी दे दो, सम कुछ, मच बहुत सारा, बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द काउंटिंग. पर इसके नंबर हम एकदम पूरा एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, पर उसे थोड़ा कम या बहुत करके उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. With some countable noun, we can use a word or words to give an idea of quantity. Of it count bad luck, fool, weather, good, tea and so. कुछ qualities होती हैं इन चीज़ों की. Qualities जैसे होती हैं, जैसे कि luck. Luck को हम गिन नहीं सकते, पर हम उसके अच्छे या बुरे के बारे में बता सकते हैं, bad या good.
वेदर, वेदर को हम गिन नहीं सकते पर उसका अच्छा या बुरा मौसम होने की जानकारी हम लगा सकते हैं। टी चाय एक कप है, दो कप है, पर उसके अंदर क्या है वो हम नहीं काउंट कर सकते, पर उसकी हम अच्छी या बुरी क्वालिटी बता सकते हैं। काउंटेबल्स, द वुमेन वर्क हार्ड टू फिनिश द टास्क इन टाइम, द वुमेन वर्क हार्ड इन फिनिश द टास्क इन टाइम, ये काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल क्या होगा, द वाटर इज द केटल वाज बॉइलिंग, ये पानी जो है केटली में ये बॉयल हो रहा है, अब कितना है ये हम नहीं काउंट करके बता सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका पेज नंबर 28 पे आपकी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द नाउन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको बताना है कि कौन से काउंटेबल्स नाउन है और कौन से अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि दे आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटो हेयर, यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, तो अगर जिन चीजों को गिन सकते हो काउंट कर सकते हो CN, तो उन्हें काउंटेबल नाउन में लिखना है, और जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन में लिखना है। मॉस्किटो मच्छरों को गिन सकते हैं CN में लिखना है। मनी गिन सकते हो काउंटेबल नाउन। वाटर नहीं गिन सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। स्टम्प नहीं गिन सकते हो, सॉरी स्टम्प को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन। बलून गिन सकते हो काउंटेबल। चिकन काउंटेबल। फूड अनकाउंटेबल। ब्रदर काउंटेबल। ओके, तो ये था आपका काउंटेबल जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। थैंक यू क्लास।